नवरात्रि महोत्सव कमेटी की 35वीं विशाल शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में गऊ घाट शिव मंदिर कोरोना महामारी से जगत के कल्याण देश में सुख समृद्धि हेतु हवन यज्ञ व भूमि पूजन मंदिर कमेटी प्रधान सतीश महाजन भाजपा नेता गुरुदेव शर्मा देवी पार्षद चौधरी यशपाल शिवरात्रि महोत्सव कमेटी के चेयरमैन चरणजीत भार्गव प्रधान सुनील मेहरा पवन लहर की अध्यक्षता में किया गया। श्री राम शरणम झांसी रोड के प्रमुख अश्विनी बेदी जी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से पधारे। इस मौके क्या कहना था सुनील मेहरा का, जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। महोत्सव कमेटी का जी रथ यात्रा निकल रही है, सानू सारों इकट्ठे होकर सम्मिलित होना है। हूँ तो यह राष्ट्र की यात्रा हो गई, ये बहुत बधाई है श्री सुनील मेहरा जी ने सारे सेवकों को। ये भोले शंकर का रथ खिंचना बहुत ही भाग्य का कार्य है, जिन्ना भी हो सके सारियां नूं मिल के इस दे विच सम्मिलित होना चाहिए। लुधियाना के अंदर पंजाब स्तर से फ्रांचाइज स्तर से शोभा यात्रा निकलेगी। भगवान भोलेनाथ का भवे जीवे जाते रथ, जिसे भगवान भोलेनाथ सोने का स्वरूप से सवार ने, बालाजी का सोने जाते रथ, हरिपति बाबा का रथ और जंगम 250 जंगम ये शोभा यात्रा शोभा यात्रा चलन गए, जिस सैकड़ों चाटियाँ बैंड बाजे और भगवान भोलेनाथ साल एक दिन शहर के बीच चक्कर लगाते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और लुधियाना निवासियों 28 फरवरी सोमवार चलो बुलावा आया है, भोले बाबा ने बुलाया है, हजारों की संख्या भोले बाबा का बालाजी का गणपति का और जंगमा का साथ दियो, रथ खिंचो, अपना जीवन सफल बनाओ। इस दिन भोले बाबा झोलियाँ भरते नहीं आ रहे हैं, आज आशीर्वाद लो, भोले बाबा का रथ खिंच के अपना जीवन सफल करो, जरा आएगा वही पाएगा। भगवान भोलेनाथ थानू बुला रहे हैं, बुलावा आया, उस दिन भगवान भोलेनाथ की शादी भी है, आओ भगवान भोलेनाथ की शादी का दिन, भगवान भोलेनाथ का दिन, उस दिन अमृत बरसेगा, जरा आएगा अमृत पाएगा। 28 फरवरी सोमवार 9 बजे सवेरे गौकार मंदिर तो यह शोभा यात्रा रथ यात्रा शुरू होएगी और 12 बजे रामलीला मैदान प्रेषित, 7 बजे चौंक कैटागढ़ माता रानी चौंक महा आरतियाँ होनगियाँ और महंत नारायण जी पूरी छंगड़ा शिवालय के अंदर महा आरती करेंगे और गौकार मंदिर जाके समापन आरती होगी। आओ लंगर लगाओ, प्रभु की कृपा प्राप्त करो और भोले बाबा की कृपा लैन दे। 28 फरवरी सोमवार यात्रा शामिल होवो, रथ खिंचो, प्रभु की कृपा।